सिर्फ 10वीं तक पढ़े किसान ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे एक तरफ प्रदूषण खत्म होगा, दूसरी तरफ जमीन की उर्वरा शक्ति बेहतर होगी। जाहिर सी बात है कि इससे खेती किसानी अच्छे से हो पाएगी। इसके साथ ही मकान जिन ईंटों से बनाया जाता है उन ईंटों की लागत भी कम हो जाएगी, तब आपके लिए अपना आशियाना बनाना भी और सरल होगा। ये हमारा पूरा फर्निश है, बना हुआ है, ये हमारा फैब्रिक्स है और ये जो है 3600 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रोक देगा। साइड में ये जो सफ़ेद आप देख रहे हैं ये सिरामिक पूल है जो फैब्रिक्स की जो गर्मी होती है ये रोकता है। ये हमारा हीटर है, यह एक राड है और इसमें सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर मीटर है, डिजिटल मीटर भी इसको बोलते हैं। जैसे 900 टेम्परेचर इसमें हुआ है इस तरह से ऑन होता है और इस तरह से फिर बंद हो जाता है। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल गांव जंक्शन में। आज हम पहुंचे हैं मिर्जापुर के फतेहपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद है इसी गांव के किसान सुभाष चंद्र सिंह। क्या है ये पूरा मॉडल, क्या फायदे, आपसे जानना चाहेंगे। जो है ईंट भट्ठों से प्रदूषण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसको रोकथाम के लिए जो है मतलब प्रदूषण कम हो और हमने फर्निश बनाया और इलेक्ट्रिक हीटर लगाए और थर्मोकपोल भी टेम्परेचर 900 सेंटीग्रेड तक मेंटेन करने के लिए लगाया। बस हमारा मॉडल इतना है सर, कोई ज़्यादा मॉडल हमारा जो है बड़ा नहीं है। मॉडल तो इतना है लेकिन काम का बहुत है। ये बताइए कि ये जो मॉडल है जो आप ईंट तैयार कर रहे हैं, ईंट वहाँ भी तैयार हो रहे हैं आप भी कर रहे हैं, अंतर क्या है दोनों में? अंतर तो सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो अभी तक जितने भी ईंट पके हैं उनका कोई क्वालिटी नहीं है। ईंट अच्छी है, हम ये भी मानते हैं कि ईंट खराब नहीं है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। अभी जो हमारे सिस्टम से ईंट पक रहे हैं इसका एक क्वालिटी है, एक मानक स्टैंडर्ड है कि इतने टेम्परेचर में ये पका हुआ है। और दूसरी फायदा सर यह है कि प्रदूषण बच रहा है और वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो उसकी भी जो है बचत हो रही है उस और समाज को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के ईंटें मिल रहे हैं। ईंट जो है उसकी लागत में क्या फ़र्क आ रहा है? अभी हमने जो पकाया है, जो ईंट हम सामने आप देख रहे हैं, ये इसके पकाने का खर्च जो है अभी 2.5 से 3 रुपये आ रहा है और सौर ऊर्जा जब लग जाएगा सर तो सोलर पैनल का भी लाइफ 25 साल है और हमारे फर्निश का भी लाइफ 25 साल है। एक बार पूंजी आप लगा दिए अगर 25 साल का नियर अबाउट प्रोडक्शन निकाला जाए तो एक ईंटे का पकाने का खर्चा 50 पैसे भी नहीं आएंगे। जैसे हम देखते हैं हाँ, चिमनी है हाँ, तो चिमनी के आसपास का जो इलाका होता है वहाँ हम देखते हैं थोड़ा खेती कम हो पाती है हाँ, क्योंकि जमीन से नमी सोख लेती है। है आपकी तरफ भी ये स्थिति होगी हाँ, ख्याल से? हाँ हाँ सर, पूरा भट्टी दिख रहा है चारों तरफ हो ही रहा है। तो आसपास वहाँ खेती की क्या स्थिति है? खेती की स्थिति सर किसान से पूछा जाए, जैसे अभी भी हमारे यहाँ किसान बताया कि फल वगैरह और पेड़ पौधों पर सब पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपका जो ये सिस्टम है ये क्या असर डालता है जमीन पर? ये कोई असर नहीं डालेगा सर, टेम्परेचर जाएगा ही नहीं कहीं जी। ऐसा कैसे? सर हमने जो फायर बेस लगाया, फायर बेस सिरामिक कूल, उसके बाद बास पेपर पन्नी, तो इससे हमने चारों तरफ से पैक कर दिया, टेम्परेचर जरा सा भी फ्लो नहीं करेगा। इतना बड़ा फर्निश बनाने में कितना खर्च आता है, कैसे बनता है, इसके बारे में बताइए। सर हमने सर्वप्रथम फायर बेस मंगाया और फायर बेस के बाद सिरामिक कूल मंगाया और जो है उसके जुड़ाई के लिए एक सोडियम सिलिकेट है और उसका बोरी में सीमेंट रखा हुआ है, इसमें जो पानी या और कोई सीमेंट नहीं काम करेगा, क्योंकि सर अगर अपना जो नॉर्मल सीमेंट है अगर इससे चुनाई करें तो इसमें जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो फट जाएगा तो टेम्परेचर बाहर जाने लगेगा। इसका क्या सर, टेम्परेचर नहीं भागेगा, मतलब वो ज्वाइंट छोड़ेगा ही नहीं। और ये आइडिया सर फर्निश का मतलब बनाने का या फायरबिस के बारे में जानकारी या सिरामिक कूल की जानकारी हिंडालको रेणुकूट एल्युमिनियम फैक्ट्री बिल्डर जी की है, हमने वहाँ पर 17 साल वर्क किया और वहीं से ये आइडिया हमारे दिमाग में आया। सिर्फ हाई स्कूल तक आप पढ़े हैं, किसान हैं और इतना बड़ा आइडिया लेके आप आ गए, कैसे संभव हुआ? भट्ठा आप देख रहे हैं तो हम लोग स्वाभाविक है बचपन से इसी में बीता है तो हम तो देख रहे हैं कि भाई ये लोग कैसे पका रहे हैं और वहाँ पर भी भट्टी बना करके वहाँ पर जब हमने वर्क किया तो फर्निश बना करके वहाँ भी मेटल गलाए जाते थे तो हमको ये दिमाग में आया कि हम क्यों ना ये फर्निश अगर भट्ठे में लगा देते हैं तो ये सब कुछ बच जाएगा। ये जो आपका आइडिया है, ये जो पूरा आपका मॉडल है, इसका पेटेंट? हाँ सर, पेटेंट हमारा IIT बेचू के माध्यम से उसके मदद से हुआ है। आपकी बेटियों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे भी जो उनकी इस पूरे प्रोजेक्ट में भूमिका रही है। हमने देखा कि हमारे पापा का जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा था और पॉल्यूशन से रिलेटेड था, हमने भी फिजिक्स MSc की है तो हमें लगा कि नहीं हमें इसमें वर्क करना चाहिए। तो हमारे आसपास देख रहे होंगे कि बहुत सारे ईंट भट्टे हैं और यहाँ की जो ज़मीन है
खेती वगैरह होता है, तो जैसे ईंट भट्टे अगर हट जाते हैं तो फिर अगर हम वहाँ पे दोबारा खेती करना चाहें तो वो खेती उपजाऊ मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं रह पाती है, हमें खेती करने में प्रॉब्लम होती है। तो जब हमारा ये आइडिया लग जाएगा तो अगर ये ईंट भट्टा हट भी जाता है उस एरिया से, फिर भी हम दोबारा भी वहाँ पे खेती किया जा सकता है, तो मतलब वहाँ की जो भूमि होगी वो ख़राब नहीं होगी। जो वर्क चल रहा है जिस आइडिया पे, वो पेटेंट भी हो चुका है और हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हम लोगों से मिलते रहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हमसे जुड़ जाइए, तो लेकिन हम ये नहीं चाहते कि लोग हमसे जुड़ के इसे व्यावसायिक रूप से यूज़ करें, हम चाहते हैं कि ये लोगों के समाज कल्याण के लिए उपयोग हो। सिर्फ एक 10वीं पास किसान जिसने इस मॉडल को तैयार किया, आप मान सकते हैं कि उसने, एक किसान ने वैज्ञानिक की भूमिका यहाँ पर निभाई है। आगे अपने इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए दिन रात ये परिवार मशक्कत कर रहा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।